Today we will learn our lesson number 10. Lesson number 10 is the public property. Lesson number 10, public property. Okay, public property. So there are means ki what is the means of public property. So student, public property means that are used by everyone, using by government property means public property. प्रॉपर्टी मीन्स की जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको किसी को भी हक होता है इसको यूज करने का, इस्तेमाल करने का, जिसमें किसी का कोई भी रोक टोक नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक प्रॉपर्टी. जस्ट लाइक देन वी आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, वी आर यूजिंग द बाथरूम एंड सीट्स एंड ओके एंड व्हेन यू आर गो टू टेम्पल एंड एवरीवेयर we are using, this is called a public property. So there are means student, so there are many things, places, etc. There are many things, place, etc. around you that are used by many people. Around you that are used by many people. Even though they don't belong to us. Okay? Even thought they don't belong to us, no one can prevent us from using them. Means क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं places जहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, जो कि आप अपने आसपास देखते हो, that around you that are used by many people. बहुत से लोग हैं जो बहुत से चीज को use करते हैं बाहर, ठीक है. Even तो इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने बोला कि आपको कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, टेम्पल्स है, ठीक है, और कोई मार्केट है जहाँ पे आपको सीट दिया है बैठने को, ओके. तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कभी टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके. सो नाउ देयर इज अ वन टेबल, वन चार्ट, ऑब्जर्व एंड राइट डाउन. सो देयर इज द नेम ऑफ थिंग्स इन योर स्कूल बैग. आपके स्कूल में जो जो चीजें हैं वहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है, जैसे इरेजर, पेंसिल, शॉर्पनर, पेन, स्केल, बुक्स, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, एनी वन, ओके. राइटिंग देयर सेटिंग ऑफ थिंग्स इन योर क्लासरूम. आप क्लासरूम में जो जो चीजें हैं उसके बारे में आप लिखना है आपको. एंड टाइमिंग थिंग्स इन योर स्कूल एंड थिंग्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है. आपके स्कूल में कौन कौन सी चीजें हैं आपको यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो थ्री टाइप क्या आ रहा है. थिंग्स इन योर स्कूल बैग, अभी आपके स्कूल बैग में अगर कोई चीज़ है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है. अभी जैसे ये बुक्स मेरी है तो ये मेरा प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है. आपका घर है वो आपकी प्रॉपर्टी हुई. लेकिन अगर जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, किसी प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, रोड है, तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो हम कभी भी कोई भी पब्लिक का, कोई भी सिटीजन उसको यूज़ कर सकता है, ओके. तो ये होता है पब्लिक प्रॉपर्टी. और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपके क्लासरूम की चीज़ें हैं, थिंग्स योर क्लासरूम. अगर क्लासरूम में कुछ चीज़ें रखी है, टेबल है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और आपके चेयर्स हैं, तो ये क्या है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है. जो आपने ये सारे लोगों के लिए, जो कि आपके प्रिंसिपल, आपके ट्रस्टी ने ये आपके लिए प्रोवाइड किया है, तो ये क्या हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो कि जिसका एक ट्रस्टी है जिसने आपको ये प्रोवाइड किया है, ओके. सो नाउ थिंग्स इन योर स्कूल. अब स्कूल क्या है, स्कूल भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सारे लोगों के लिए, यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, यहाँ पे कोई भी भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है, ठीक है. तो ये भी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम अपने टेस्ट बुक के जरिए इसको रीड करेंगे, ओके. सो नाउ ओपन योर टेस्ट बुक. पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व एंड राइट डाउन. तो नाउ देयर इज अ वन चैट चार्ट पेपर, थिंग्स चार्ट, things in your school bag. So write down your school bags things in your bags. So pencil, eraser, sharpener, pen, books, textbook and other things, color, scale, etc. Things in your classroom. So what is the in your classroom, table, chair, blackboard, door, window, any things, write down. Things in your school. Okay, so now there are many things, places, etc. around you that are used by many people. There are many things, places, etc. around you that are used by many people. जब भी आप बाहर जाते हो तो आप किसी भी प्लेस पे या जगह पे, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो. इवन थॉट दे डोंट बिलोंग टू अस, क्योंकि वहाँ पर रहते तो वो नहीं. नो वन कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम यूजिंग दैम. लेट्स नाउ मेक अ न्यू लिस्ट ऑफ सच थिंग्स. Make a list of the things used by all students in school. So write down the
थिंग्स सो यूजिंग द ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल. ओके स्टूडेंट, तो आपके स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप जो कि आप और आपके सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स जो भी ऑल स्टूडेंट्स हैं उसको यूज़ करते हैं, तो उस थिंग्स के बारे में आपको यहाँ पे उसके नेम लिखने हैं. ओके, द एबव मेंशन थिंग्स कैन बी यूज बाय एवरीवन इन स्कूल एंड इट इज दोज पीपल ओनली हु ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑफ द थिंग. द एबव मेंशन थिंग्स कैन बी यूज बाय एवरीवन इन स्कूल एंड इट इज दोज पीपल Only who also need to take care of the things. अब इसमें क्या है कि आप स्कूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो जो कि सब लोग यूज़ करते हैं. इट इज़ दोज पीपल ओनली हु ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स. एनी थिंग और प्लेस डैट कैन बी यूज बाई एवरी वन इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. एनी थिंग और प्लेस, कोई भी चीज़ या किसी भी प्लेस को कैन बी यूज बाई एवरी वन जो कि सब लोग यूज़ करते हैं इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. इन स्कूल नो बडी यूज योर पेन पेंसिल बुक और बैग बट एवरी वन यूज़ द रूम्स वॉशरूम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा. अब जैसे आपके स्कूल के कुछ सामान है आपके बैग में है, जैसे कि आपके पास तो उसमें जैसे पेन है पेंसिल है बॉक्स है बुक्स है जो भी है, तो वो कोई भी उसको छू नहीं सकता, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता. इन योर नो बडी यूजेज योर पेन पेंसिल बुक्स और बैग. ओके, बट एवरी वन यूजेज द रूम्स वॉशरूम्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट इक्विपमेंट एक्सेट्रा. तो ठीक है, तो कुछ भी ऐसे लोग सकते हैं जो आपके रूम्स को वॉशरूम को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ द कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. थिंग्स, इफ नोबडी इज अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम, इफ नोबडी इज अलाउड टू यूज़ द वॉशरूम डैश, इफ नोबडी इज अलाउड टू यूज़ वाटर फ्रॉम द वाटर टैंक डैश, इट इफ स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू स्टडी. सो फिलअप दिस मैप, मेक अ लिस्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी अवेलेबल इन योर विलेज दैट इज यूज बाई एवरी वन. सो राइट डाउन इन दिस नेम. ओके, द अबव मेंशन थिंग्स आर यूज बाई एवरी वन इन विलेज टेम्पल्स और बस स्टेशन आर नोबडी पर्सनल प्रॉपर्टी. विलेज स्कूल आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ऑफिसियर्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी. द अबव मेंशन थिंग्स आर यूज बाई एवरीथिंग एवरी वन इन विलेज. अबव मेंशन थिंग्स आर यूज बाई एवरी वन इन विलेज लाइक टेम्पल्स और बस स्टेशन आर नोबडीज पर्सनल प्रॉपर्टी. अभी जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ टेम्पल जैसे मैंने बोला आपको कि टेम्पल है बस स्टेशन है रेलवे स्टेशन है, तो वो कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती कि जो उसे मुझे यूज़ करना है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जो कि सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि टेम्पल है मंदिर है वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है. बस स्टेशन है वहाँ पे कोई भी बस स्टेशन पे आ जा सकता है. रेलवे ट्रैक है मीन्स रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट है, तो ऐसे कुछ ऐसे जगह हैं, ठीक है, जो कभी भी कहीं भी कोई आ जा सकता है जिसको हम पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं कह सकते. विलेज स्कूल आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर पब्लिक प्रॉपर्टी. अभी पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या है, विलेज स्कूल आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ऑफिस है आर पब्लिक प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या है, ये अपनी नहीं होती, ये पब्लिक की होती, जहाँ पे कोई भी मोन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर को देखने के लिए हम आते जाते हैं ट्रैवल करते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे किसी को भी आने जाने की कोई भी मना नहीं रहे. गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं पब्लिक प्रॉपर्टी. ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और अपने लिए कर सकता है, ठीक है, तो ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है. थिंग्स, इफ देयर इज नो बस स्टेशन इन द विलेज, इफ द बस स्टेशन इज डर्टी, इफ नोबडी इज अलाउड टू यूज द लाइब्रेरी. सो कंप्लीट दिस लाइन. इफ सच थिंग्स हैपन वन डजंट गेट द रिक्वायर्ड फैसिलिटी डैट दिस प्लेसेज यूजली प्रोवाइड. A school in a village, a bus stand and a hospital belong to everybody and it is our responsibility to use these places property and keep them clean. A school in a village, a bus stand and a hospital belong to everybody and it is our responsibility to use this place properly and keep them
क्लीन। अभी हम कहीं जाते हैं, देखते हैं कि जो जो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए सबको यूज़ करना है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी गिराते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो डस्ट हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो अगर उसको हम यूज़ करें तो ये एवरीवन को क्या करना चाहिए कि आवर ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उस जगह को, उस चीज़ को साफ रखें और उसको प्रॉपर्ली रखें। ओके, पीपल यूज़ गवर्नमेंट बसेस, अदर ऑफिसर्स, एयर वाटर, पब्लिक वॉशरूम, गार्डन्स एंड पार्क विच आर नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। पीपल यूज़ गवर्नमेंट बसेस, अदर ऑफिस, एयर वाटर, पब्लिक वॉशरूम, गार्डन्स एंड पार्क विच आर नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। सिंस दीज बिलोंग टू द पब्लिक, वी शुड टेक गुड केयर फॉर ऑफ देम। Which are not personal property, since these belong to the public, we should take good care of them. So students, these are given the boxes, some pictures. So fill up the name there, the name of the facility provided to the public. So which picture show the name, write down this name. Okay. Make a note of various facility available at home and in public places. So write down this table: facility, water, dustbin, vehicles, books, washroom, religious place, equipment of for games at home and in public places. So which things are used at home and which things are used in public places, write down in this name. From the above mentioned, a facility that which are available at home are the part of personal property. The property that can be used by everyone is called a public property. The tree plant on the roads are public property. It is a crime to damage public property. Okay, the property that can be used by everyone is called a public property. The trees planted on the roads are public property. It is a crime to damage public property. Make a list of the public property in your city. The name of facility, when was it made, how is it useful, maintained well and badly, what should be done to maintain it. So complete this table. This student, there is a describe the pictures given below and discuss it with your friends. First, preservation of public property are dirty. Okay, who is right? Oh, don't spit here. Don't worry, it hardly matters. Nobody like to see litter round. Things, what would you say about the boy who dirtied the wall? What could possibly have happened in the third picture? If your friend dirties, spoils a public place, what advice would you give him?